सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक पब्लिक हेल्थ के लिए क्या क्या किया जा रहा है देश के अंदर, कुछ गवर्नमेंट ने मेजर प्रोग्राम्स लिए हैं तो उसमें आयुष्मान भारत प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाईलाइटेड कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट डे दैट इज दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018 टू 2019. इसमें क्या किया गया, इसमें लोगों के कार्ड्स बनाए गए थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर, आपको जो आपके घरों के बिल्कुल पास होंगे ऐसे सेंटर्स बनाए गए. इसका मतलब कुछ हॉस्पिटल्स को इनकी इनका एक स्कीम के अंडर डाला गया, ठीक है. और अगर किसी के कार्ड बने हुए हैं आयुष्मान भारत से रिलेटेड तो दे कैन ईजिली गेट द बेनिफिट ऑफ चीपर हेल्थ केयर इन दोज हॉस्पिटल्स, मतलब उनका सस्ते में इलाज वगैरह हो सकता है. इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये भी एक स्कीम बनाई गई है. इसमें 10 करोड़ पुअर पीपल को टारगेट किया गया है, ठीक है. और इन्होंने ये कवरेज कैसे लिखी है, 25 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. यू नो व्हाट इज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, मतलब हाई क्लास फैसिलिटीज दी जाएंगी. तो कवरेज क्या है इसके अंदर, ₹25 लाख पर फैमिली पर ईयर, फैमिली में जितने भी लोग हैं मतलब वो अपना 25 लाख के अंदर इलाज करवा सकते हैं और वो भी बेस्ट इलाज करवा सकते हैं. तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एज वेल एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए, दो चीज़ें आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर करवाई गई थी. लोग अपना कैंसर जैसी बीमारियों का, जानलेवा बीमारियों का इलाज भी इस स्कीम के अंडर करवा रहे हैं, ठीक है. पुअर पीपल्स को बहुत अच्छा बेनिफिट है ये. स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सैनिटेशन वाटर फैसिलिटी दिस ऑल कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो महात्मा गांधी का ड्रीम था क्लीन और हाइजीन इंडिया के लिए, तो इसीलिए इसमें सैनिटाइजेशन कवरेज की गई कि टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाएंगे, क्लीनिनेस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है. और ओपन डेफिकेशन को ख़त्म किया जाएगा, जो लोग खुले में शौच जाते हैं उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाएगा बाय अक्टूबर 2019, और ये कंप्लीट कर भी दिया गया है, ठीक है. इसके अलावा हेल्थ को रिलेटेड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें आपको क्या हेल्प दी गई है, एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं वुमेन को, क्योंकि वो चूल्हा चौका करते थे तो उनके अंदर मुंह में डस्ट वगैरह आती थी, इसकी वजह से वो धुआं वगैरह की वजह से स्मोक की वजह से बहुत इश्यूज़ हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, ठीक है. तो उसको एलपीजी कनेक्शंस दिए गए लोगों को, 5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को दिए गए, 1600 रुपीज़ की फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन लोगों को दी गई, और जो स्टोव खरीद के दिया जाएगा वो भी EMI पर, ठीक है. आपको पता है EMI किश्तों पर दिया जाएगा, ठीक है. और गिविंग अप कैंपेन, जिसमें हम मिडिल क्लास लोग या लोअर क्लास लोग अपनी जो सिलेंडर की फैसिलिटी है उसको गिव अप कर देंगे और सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है. मिशन इंद्रधनुष, इसके अंदर क्या है, सभी चिल्ड्रन छोटे 4 साल से कम उम्र के और प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन दी जाएगी, 7 वैक्सीन उनको फ्री में प्रिवेंटिबल डिजीजेज की दी जाएगी, जिसमें चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी. नेशनल हेल्थ मिशन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, 2005 में आया था ये, ठीक है. और इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंक्लूड कर दिया गया, ये पहले अलग था बट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है. इसके अलावा इसके अंदर जो भी अभी आपने पढ़ा कि बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, रूरल अर्बन एरिया के, वो सब इसके मिशन के तहत बनाए जाते हैं, ठीक है. इंक्लूड्स राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य करीके, ठीक है, और ये एक यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. दूसरा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, इंक्लूड्स राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में आया. तो जो बाल बच्चे बिल्कुल छोटे और जो किशोर मतलब थोड़े से बड़े बच्चे, उनके लिए भी ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे ये प्रोग्राम्स जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए.